जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई टीएम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की को नई भर्ती यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि भर्ती आपको रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती रहने वाली और भी वैकेंसी, ठीक है। पूरा वीडियो बताने वाले हैं, वीडियो किसके अब तक है वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए, पहली बार आए, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी की पल पल की जानकारी आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, सबसे पहले डाउनलोड कहाँ से करना है, नोटिफिकेशन आपको जाना है इनकी वेबसाइट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पर आ जाना और आपको जाना है रिक्वायरमेंट, क्लिक करोगे इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा वर्ल्ड इन इंटरव्यू फॉर MDRU, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे इसका नोटिफिकेशन आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो हम चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी निकल कर आई है। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए, पहली बार आए, तो निवेदन है आप लोगों से चैनल करना सबका। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखिए इनका जो नोटिफिकेशन है वो 26 सितंबर को यहाँ पर जारी किया गया है और अधिष्ठाता कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयुर्वेद संस्थान महाविद्यालय जबलपुर, यहाँ पर ये निकाला गया, ठीक है। विद्यालय के अंदर ये निकाला गया है। आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। देखिए कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं, क्या योग्यता रहने वाली वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पोस्ट। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है, पहले लाइब्रेरी टेक्नीशियन की रहेगी पोस्ट, दो पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है, एक जनरल की रहेगी एक OBC की रहेगी। आपका जो पेमेंट मिलने वाला सैलरी तो 20,000 पर मंथ ये मिलेगा, प्लस आपको HR मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट यानी कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी, एक पद यहाँ पर निकाला गया है और 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली क्योंकि ये जनरल की रहेगी। और यहाँ पर आप लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, इस यूनिट के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं योग्यता, देख लेते हैं क्या चाहिए पड़ेगी, और इसकी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो आवेदन कहाँ पे आपको भेजना है आवेदन और कहाँ पे आपको इंटरव्यू होने वाला, देखिए आपका इंटरव्यू हो जाएगा, देखो वर्ल्ड इन इंटरव्यू फोर 4 अक्टूबर 2023 को आपको लिया जाएगा इंटरव्यू, ठीक है ना। तो आप लोगों को 11 बजे तक पहुँच जाना इंटरव्यू के लिए और 1 से 11 के बीच में आपका इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें, इनका एड्रेस ये दिख रहा है एड्रेस, आप लोग इस एड्रेस पर जाकर, ठीक है, ये इस एड्रेस पे आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, यहाँ पर होने वाला, लेकिन आपको इंटरव्यू लिया जाएगा 4, ठीक है, 10 को। और हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या रहने वाली क्वालिफिकेशन। देखिए पहली रहेगी टेक्नीशियन की, देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी टेक्नीशियन की, तो MSc डिग्री हो आपके पास लाइफ साइंस में या, ठीक है ना, इनमें से आप माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनिकल हो, ठीक है, बायोलॉजिकल हो, साइंस हो, ठीक, कोई भी इसमें से हो आप लोग संबंधित रिलेवेंट फील्ड में, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, यदि आपने फर्स्ट क्लास BSc डिग्री की हो विथ बायोलॉजिकल साइंस के साथ या लाइफ साइंस के साथ, तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना नहीं रहेगा, इसमें बता दिया उन्होंने, ठीक है, और मैक्सिमम 30 वर्ष है इसमें एज बता दिए, और SC ST वालों को 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन वही मिलेगा। दूसरी पोस्ट पर देख लेते हैं कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, आपके पास BSc डिग्री हो, ठीक है ना, और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, और लाइब्रेरी असेसमेंट विथ डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, ठीक, कंप्यूटर डिप्लोमा हो जाए प्लस आपके पास BSc डिग्री हो, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या DMLT का डिग्री हो आपके पास तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा जरूर आपके पास होना चाहिए। या यानी आपने ग्रेजुएट किया हो, PG डिप्लोमा हो, कोई भी आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। CPCT का होगा तो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है, और मिनिमम जो एक बता दी मैक्सिमम 28 वर्ष एज है, और OBC SC ST वालों को 5 साल का यहाँ पर जो एज रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये इनका एड्रेस भी ये दिया हुआ तो आप लोग यहाँ पर देख लें, और आपका यहाँ पर टेम्प्रेरी होने वाला प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर देखिए टेम्प्रेरी पोस्ट रहेगी आप लोगों की, ठीक है, 11 मंथ यहाँ बता दिया, फिर बाकी आगे बढ़ा दिए जाएंगे वो आप लोगों को, ठीक है, वहाँ के उनके जो भी नियम रहेंगे। तो आप लोग यहाँ डाउनलोड कर लें, जिन आवेदकों को यहाँ पर भेजना है ये आवेदन वो यहाँ पर कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी इसमें जॉब लग जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।